नमस्ते ओम शांति। आप सबको स्वागत है आज के 275वें दिन के ईश्वर वरदान में। परमपिता परमात्मा आज हमें एक ऐसी स्थिति के बारे में याद दिलाते हैं जैसे कि हम शक्तिशाली बने रहें, और साथ साथ जो भी दुनिया की आकर्षण है जो कि बढ़ती जा रही है, कलयुग जितना बढ़ता जाएगा उतनी आकर्षणें बढ़ती जाएंगी। ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसे भी पा लूँ, वैसे भी पा लूँ, उनसे हम बचे रहेंगे। तो देखें परमपिता परमात्मा आज कहते क्या हैं। बाबा कहते हैं, पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से, रचना मींस क्रिएटर, परमात्मा क्रिएटर नहीं, कलयुगी क्रिएटर, रावण इस कलयुग का क्रिएटर है, परमात्मा सत्युग के स्वर्ग के क्रिएटर है। परमात्मा ने नरक नहीं बनाया, परमात्मा ने कलयुग नहीं बनाया, वो हम बच्चों के अंदर के विकार जो है उसकी रचना है, जिसको परमात्मा रावण कहते हैं। आकर्षण से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव, विस्तार में चलते हैं। जब मास्टर रचयिता, मास्टर नॉलेजफुल की पावरफुल स्थिति व नशे में स्थित रहेंगे, हम हो गए मास्टर रचयिता। मास्टर नॉलेजफुल मतलब कि सारी तरीके से विजडम है हमारे अंदर, और उसकी पावरफुल स्थिति में के नशे में स्थित रहेंगे, तब रचना की सर्व आकर्षणों से परे रह सकेंगे। नहीं तो क्या होगा, घड़ी घड़ी कोई चीज आकर्षित करेगी, और कलयुग में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, तो हर चीज़ हमेशा ही बहुत ही फास्ट फास्ट चेंज हो रही है। तभी कहते हैं ना कि कलयुग में कोई अगर आप कुछ करो तो उसका फल एक सेकंड में मिलता है, तो यहाँ पे भी कोई भी चीज़ बहुत फास्ट चेंज हो रही है। तो अगर हम आज किसी चीज़ से आकर्षित हैं, किसी एक पर्टिकुलर टाइप की चीज़ से आकर्षित हैं, कल वो परिवर्तन हो जाएगी, उसका नया रूप आ जाएगा, फिर उस चीज़ से हम दुखी हो जाते हैं, फिर नई चीज़ सही होती है हमें। तो परमात्मा कहते हैं, तो भिन्न भिन्न टाइप की रचनाओं से हम आकर्षित नहीं रहेंगे, उसे परे रहेंगे, परे रह सकेंगे, क्योंकि अभी रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप रचेगी। इसलिए सभी बचपन की भूले, जो बचपन की भूले मतलब कब, जब हम इसमें ज्ञान में आए थे तो हम बचपन की भूलों में थे। बच्चा होता है वो अपने ही तरीके से चलता है, नटखट होता है, पेरेंट्स की बात इतना मानता नहीं है, पेरेंट्स उसको खींच के एक तरफ लेके आते हैं और फिर उस तरफ भागना शुरू करता है। तो परमात्मा कहते हैं, तो बच्चों बचपन की भूले हैं, कभी हम परमात्मा की बातें मानते थे, कभी नहीं मानते थे, अलबेलेपन की भूले, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, ये हो गया अलबेलेपन। आलस्य की भूले कि चलो हो जाएगा, अभी टाइम बहुत पड़ा हुआ है, अभी क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, ये और भी नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करती हैं। और कलयुग तो चाहता ही है, रावण राज्य तो चाहता ही है कि हम उसकी चीज़ों में, उसके सुख में हम उलझते जाएं, उनकी चीज़ों में फंसते जाएं, और जितना हम उनकी चीज़ों में फंसेंगे, जितना दलदल में फंसेंगे, जितने आराम में फंसेंगे, उतना हम परमात्मा के आराम, कहते हैं ना आराम आ जा, उससे हम और दूर हो जाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं, बेपरवाही की भूलें है ना जो रही हुई हैं, उन्हें भूल कर अपने पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, शस्त्रधारी क्या है, हमारे पास शस्त्र कौन कौन से हैं, जो ज्ञान के शस्त्र दिए परमात्मा ने, शक्तियों के शस्त्र दिए हैं, नम्रता, धैर्यता, पवित्रता, सादगी, सहनशीलता, और शक्तियां जो सारी दी हुई हैं, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति है, उनको फास्ट करना। तो ये सारी चीजें जो है शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योति स्वरूप, कि हमेशा हम सोल कॉन्शियस रहें, यानी कि हम सो जाएं बिल्कुल दुनिया की आकर्षण में खींच करके, और फिर अचानक से वहाँ पे जब दुख मिलना शुरू करे तो फिर आंखें खुले हमारे, अरे हम कहाँ पहुँच गए। तो परमात्मा कहते हैं, सदा जागती ज्योति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, तब कहेंगे मास्टर रचयिता। तो परमात्मा चाहते हैं कि ये सारे गुण और सारी शक्तियाँ जो हैं, ये मेडिटेशन के द्वारा हम अपने अंदर बनाए रखें, ताकि हमें दुनिया का अंतर पता चले कि सच्ची दुनिया कौन सी और झूठ की दुनिया कौन सी है। नहीं तो हम क्या होता है, हम खिंचते चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है कि हम परमात्मा से बहुत दूर हो गए हैं, भगवान से बहुत दूर हो गए हैं, और फिर हम जब दुख में होते हैं तब याद आते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, ऐसी सिचुएशन ना आए, इसलिए आप सदा जगती ज्योति स्वरूप बने रहो, और वो बनने के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, वो हम सीखते हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में, जहाँ पर जाकर के आप भी सीख सकते हैं कि आप कैसे, किस तरीके से आप उस दुबन से, उस दलदल से बाहर आ सकते हैं। तो
तो आपका दिन आज का शुभ हो, आप सुखी रहें, ओम शांति।